एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को दिए दो मौके, लेकिन स्टिल उसने दिए उसको धोखे, और तीसरा धोखा वो रिसेंटली दे चुका है। चौथे धोखे में वो कह रही है अखीर ही होगी अब तो। उसने अपने बच्चों का खर्चा बिल्कुल बंद कर दिया था, दूध पैम्पर ईच एंड एवरीथिंग वो कह रही है मैं अपनी मामा से लेके करती थी, और अब मैं आ गई हूं अपने घर। लड़कीबाजी और लड़कियों की वजह से अय्याशी, इस वजह से मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ। पहले भी तीन चांस उसको मैं दे चुकी हूँ, चौथे पे मैंने खुला अप्लाई कर दिया है। तो वो कह रही है कि यार अब उसके घर वाले फिर आ रहे हैं और ये स्टिल कह रहे हैं कि वो बदल गया है, वो चेंज हो गया है, एक मौका दे दो। तो वो यही कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी के चार बदतरीन मौके उसको दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अब मजीद अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। तो वो कह रही है कि मैंने खुला अप्लाई किया और मैं चाहती हूँ कि क्या मेरा ये फैसला ठीक है, आप प्लीज चेक करके बता दें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जी आप? कौन? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, आप कौन? मैं अलीशा चौहान बात कर रही हूँ, रिमशा चौहान की बहन। मैंने नहीं पहचाना। बात करनी थी आपसे, आप फ्री हैं? जी जी करें, बात करें। क्या बात करनी है आपने? बात क्या करनी है, कुछ गुजरा वक्त याद आ रहा था, मैंने कहा दोबारा से रिपीट कर लें। सॉरी मैं समझा नहीं। मतलब मिस कर रही थी मैं आपको। कौन है आप? बताया तो है अलीशा चौहान। कहाँ? रिमशा चौहान की बहन। क्या? कौन है? कौन है आप? आप अच्छी तरह तारुफ करवाएं। हर दफा ऐसे करती हूँ, उनको सीधा बताओ ना। मैं बता तो रही हूँ। अच्छा आप ही आपके चक्कर है ना। आप बिलाल बात कर रहे हैं ना? जी बिलाल बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन है आप? मुझे अच्छी तरह तारुफ करवाएं आप। अच्छी तरह तारुफ तो मैं आपको करवा देती हूँ। हम मिले थे, गेट टुगेदर था, पार्टी थी वहाँ पे, यू नो। तो चलें आप जिधर 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 भी मिले थे, आप अपना मकसद बताएं बात का। मकसद फिर से मिलना चाह रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा। नहीं सॉरी 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 सॉरी, देखें अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी है और मैं बहुत इस जिंदगी से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पास्ट था, मेरा माजी था, मैं उसको छोड़ चुका हूँ, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप भी इस चीज को छोड़ दें, अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। किस चीज को? आइंदा आपने मुझे कॉल नहीं करनी। अच्छा वरना मैं। बात तो सुने, जी जी। किस चीज को? मैंने आपसे कोई गलत बात की है? मैं मिलना भी नहीं चाहता। आपने जिस पार्टी का नाम लिया मैं उससे दूर हो चुका हूँ, मेरी बात और सुने। मैंने अपने माजी को छोड़ दिया। मेरी बात सुने, एक दफा मिले, मिल के बात करते हैं। आप तो इतना मैं बिल्कुल हरगिज नहीं मिलना चाहता, मैं देखना भी नहीं चाहता अपने माजी की तरफ। आप बहरहाल आप आइंदा मुझे कॉल ना करिएगा और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। सपने सजाए हुए थे तो अल्लाह पाक आपके अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। आपने मुझे आइंदा नहीं कॉल करनी, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आपने आइंदा मुझे कॉल की। चलो ठीक है, ओके ओके जी, अल्लाह गरम अंडे सुनिए आएगा गरम अंडे। ठीक है यार, ओके ओके। देखे बहन मेरी बात सुने, पता क्या, देखे ये बच्चा सा लग रहा था, वैसे लग नहीं रहा था। तो बच्चे ही पार्टियां करते हैं और क्या आजकल शादीशुदा वो। खैर आप सोच विचार करें, फिर भी बड़ों को डालें हमारी वीडियो में नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि सारी गलती मर्द की नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपका बंदा बाहर फ्लर्ट करता है तो आप वो फ्लर्ट उसके साथ खुद करें, घर में करें। हम बहुत बार मेंशन कर चुके हैं कि बीवियां ये लापरवाही हरगिज ना किया करें, अपने पार्टनर को, अपने मेल को, अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोई भी मौका जाया ना किया करें, ठीक है? और सोच विचार करके बड़ों को डाल के फिर फैसला। हाँ, और बाकी ठीक है, ऐसे अचानक से डिवोर्स नहीं। हमें जो लग रहा है ना वो हमें लड़का ठीक लग रहा है यार, इतना बुरा नहीं है कि आपको कि बस वो फना फना। ठीक है पैसे की जो मामला होते हैं वो फाइनेंशियली बंदा ऐसा ऐसा बेटर हो ही जाता है, तो कोई मसला नहीं। आप उसका साथ दें इंशाल्लाह, सबको सलामत रखिए, सबको आबाद रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपके नसीब। आमीन। एक लड़की के मामा पापा की डेथ होगी आज से 15 साल पहले, और लड़की रहती है अपने चाचा चाची के घर, और उसका कहना है कि मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है, मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, रात को खाने के साथ गालियां खा के सो जाती हूँ, मतलब मेरी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बनी हुई है। इस दौरान एक लड़का मेरी जिंदगी में आया, उसको मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कि तुम घर से भागो, मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ, मैं तुम्हें रखूंगा। तो लड़की का कहना है कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया हुआ था, मैं घर से भागने की तैयारी में हूं, मगर मेरा दिल डर रहा है कि ये ना हो कहीं मैं एक कुएं से निकलते निकलते दूसरे कुएं के अंदर गिर जाऊं और मेरी जिंदगी का बिल्कुल खात्मा। वो इस काबिल है कि वो मुझे संभाल सकता है, मेरे मेरे साथ जो है वो एक थंब बन के खड़ा हो सकता है, मेरा मुहाफिज बन सकता है, या वो मुझे जलील करवाएगा? तो कॉल करने लगी है उस लड़के को। मामला कम बता,
वालेकुम सलाम। की हाल है पुत्र? जी ठीक अल्लाह दा शुक्र। तुसी कौन? पुत्र मैं हुमा दा चाचा गल करन दिया, मैं तेरे नाल गल करनी है जरूरी है। हुमा? कौन हुमा? पुत्र डरन दी लोड कोई नहीं, मेनू सारी गल दा पता लग गया वा। मैं तेरे ते ओदे मैसेज सारे पढ़ के ते फेर ही मैं तेनु फोन कीता, ते मेरी चाची भी मेरे कोल ही खलोती ते असी बड़ा परेशान आ ओदी वजह तो। पुत्र डरन दी जरूरत नहीं है, मैं तेरे नाल गल करनी है, तरीके दी करनी है कि तुसी घरों भजन दा एक बनाया वे निजाम। ते पुत्र गल गलत है, ते मैं क्या चल मैं आप गल कर लेना, जे तू आना चाहना ते सीधे तरीके नाल गल करना है, जे साडे सिर च खे पाना जरूरी है। नहीं नहीं चाचू जी, मैं उन्हें कोई भजान की गल नहीं की। आप लिए लोके है मेरे ख्याल ना डर गया ही, मेरे को तो आप गल करे दे नाले नु गल समझा। नहीं नहीं डरन की गल दी गल, मैं कोई उन्दे ना गल नहीं की भजान की। अब पुत्र मेरी गल सुन, तुसी चाहनिया कि कालक तुसी साडे मुंह ते ना मलो, जे तुसी ब्याह कराना है ते पुत्र ताडा इज्जत नाल ब्याह करा देने आ। ठीक है, देखो मेरी माँ जी मेरी गल सुनो, मैं कोई ओदे नाल भजान दी गल नहीं कीती। ओ मेरे नाल गल्लां करदी पई सी के असीं दूर जांगे, मेरे घर बड़ा जुलम हुंदा मेरे उत्ते, ये ते वो, ते मैं क्या चल ठीक है जे ऐसी गल है ते तू आई जा, मैं कितने तेरी नौकरी शोकरी लवा देंगा, कितने फ्लैट फ्लूट ते रह लई। ते एनी गल हुई है, मैं उन्हूं कोई वादा शादा नहीं किया, ना ब्याह दा किया ते ना मैं कोई भजान दा वादा किया। एक यतीम कुड़ी है, ना उदा मां सिर ते ना उदा उदा प्यो सिर ते, ते पुत्र है ते माड़ी गल है ना। फिर मैं ख्याल कर, मैं ऐसे लई उन्हें ब्याह दी इज्जत नाल नहीं खेलेगा। जे तेरे उत्ते जुलम हुंदा है ते तू आईया, मैं तेरी जुलम केड़ा हुंदा है, काट बच्चियां नु पुछी किछी गई है। बड़ी गल सुन, उदा जे मां प्यो सिर ते नहीं ना ते असी है बस, तू उदा एडा ख्याल ना कर मेरा पुत्र। खबरदार तू उस कुड़ी नू दुबारा फोन किया, ब्लॉक कर ओनू। एक लड़की की मामा ने हमसे कांटेक्ट किया, वो बता रही है कि मेरी बेटी किसी लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, रोती है, खाती कुछ नहीं है, पीती कुछ नहीं है, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, और रिसेंटली उसने कट्स भी लगाए हैं और उसके बाद उसने कोई कुछ खाया भी है, वो स्टोमिक वॉश भी हुआ है, और अब आके उसकी मामा कह रही है कि हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं इन केस के अगर वो लड़का लॉयल है तो अगर वो लड़का ठीक है तो मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख सकती, मैं उसके साथ उसकी शादी के लिए हाँ कर दूंगी, आप लोग कॉल करें और देखें कि वो लड़का उसके लिए ठीक है कि नहीं है या नहीं, करने के लगे उसको कॉल और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं वह कॉल कर दी थी, डिस्टर्ब नहीं की था, और की था इस टाइम। देखिए आप इतने गुस्से में लग रहे हैं, किसी के साथ लड़ाई हुई आपकी? लड़ाई भी मेरे ना की थी ये, तू कर ली फोन की था दस वो कम कर। आप हमेशा ही ऐसे बोलते हैं? तीन जी बोलना हो रहा हमेशा, मैं मुंह नाल ही बोलना हूं कि मैं कि तो तेनु होर वादा हो रही है। अच्छा मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, करनी है कि नहीं करनी? तेरा दिमाग ठीक है? देखिए मेरी बात सुने, आप तो इस तरह से बोल रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं आप मुझे, मतलब मैं प्यारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वेल एजुकेटेड हूँ मैं। अरे मैं तेरा चार पांचना है, तेनु को होर कोई काम नहीं, कोई होर तेनु कोई नहीं लभया, तू मनु फोन कर दे। अच्छा आप किसी के साथ हो, आपकी जिंदगी में कोई है? ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ। ਅਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਆਂਟੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਜੇ, ਸੋ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ।